नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आप देख रहे हैं ड्राइव सेंस। हमेशा ही आपके लिए ड्राइविंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। दोस्तों, बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मित्र हैं और मेरे बाहर के फ्रेंड्स भी हैं, वो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर, जब भी हम फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाने की कोशिश करते हैं और क्लच रिलीज करते हैं तो हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, ऐसा क्यों होता है या फिर हम कुछ गलती कर रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ, साथ में आपको वो गलती भी बताऊंगा कि जो गलती आप करते हो जिसकी वजह से हमारी गाड़ी बंद हो जाती है, हमारा इंजन बंद हो जाता है, तो वो गलती को हम अवॉइड करेंगे ताकि आपकी गाड़ी बंद ना हो फर्स्ट गियर में उठाने के लिए। दोस्तों याद रखना, जो भी चीज मैं आज बताने वाला हूँ वो सिर्फ फर्स्ट गियर के बारे में बताने वाला हूँ, जब आप फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाते हो। तो चलिए हम डायरेक्टली हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी आप मेरे सारे फूट कंट्रोल्स देख सकते हो, ये होता है अपना एक्सीलेटर, ये होता है ब्रेक और ये होता है अपना क्लच। अभी हम सिर्फ क्लच की बात करेंगे क्योंकि हम शुरुआती दिनों में हैं। तो दोस्तों, लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, बेसिकली आप ये समझिए हमको सिखाया क्या जाता है। हमको दोस्तों ये सिखाया जाता है कि जब भी आप फर्स्ट गियर में हो, आप क्लच दबा करके उसको धीरे धीरे रिलीज करेंगे, ठीक है। हमको जनरली यही सिखाया जाता है, तो हम भी उसी फॉर्मेट में इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी सी गलती करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जिस स्पीड में हम क्लच को धीरे धीरे रिलीज करते हैं उसी स्पीड में हम क्लच को पूरा छोड़ देते हैं। अब पूरा छोड़ने से दोस्तों क्या होता है, आपकी गाड़ी जो होती है वो मूविंग फेस में नहीं होती है, मतलब रोलिंग कंडीशन में नहीं आती है, और उससे पहले ही हमारा क्लच पूरा छूट जाता है। अब ऐसे में होता क्या है दोस्तों, इंजन पे लोड आता है, जितना लोड वो झेल सकता है उतना झेल लेता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो उस चीज के लिए दोस्तों हमको क्या करना है, ये ट्रिक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रिक आपने सीख ली जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपका हाथ ड्राइविंग में कोई नहीं खेल सकता। अब समझिए दोस्तों हमको करना क्या है, जब भी आप फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाने की कोशिश करते हो, गाड़ी आप फर्स्ट गियर में लगाते हो क्लच दबाने के बाद, जैसे कि मैंने ये क्लच दबाया, मैंने फर्स्ट गियर लगाया, अब मेरे को गाड़ी उठानी है, तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, क्लच को एक ऐसे पॉइंट तक लाऊंगा जहाँ पर मेरी गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट करने लगेगी, ठीक है। मैं एक्सीलेटर पे पैर नहीं दूंगा और ना ही मैं ध्यान दूंगा ब्रेक पे, ठीक है, मैं अभी सिर्फ क्लच को समझूंगा। अब ऐसे पॉइंट पर मैं अपना क्लच को रोकूंगा जहाँ पे मेरी गाड़ी हल्की सी वाइब्रेट करने लगेगी और मुझे ऐसा फील होगा कि गाड़ी हल्की सी रोलिंग में आ रही है, ठीक है। मैं क्लच को और हल्का सा छोड़ूंगा और जब मेरी गाड़ी ऐसा लगेगा कि पूरी तरह से रोलिंग में आ गई है, 5-7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई है, कि उसके बाद मैं क्लच को पूरी तरह से छोड़ूंगा। अब हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अभी आप जैसे कि ये देख सकते हो, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ, अभी मेरी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, अभी मैं अपनी गाड़ी को फर्स्ट गियर में लगाता हूँ, ठीक है। हैंड ब्रेक को रिलीज करता हूँ, मैंने हैंड ब्रेक को रिलीज कर दिया। अब मेरे क्लच का मूवमेंट आप देखना, मैंने क्लच प्रेस करके रखा है, अब मैं क्लच को सिर्फ ऐसे पॉइंट पर ला करके रोकूंगा जब मेरी गाड़ी मूव करने लगेगी, ठीक है। ये देखिए, मैं क्लच धीरे धीरे छोड़ रहा हूँ, मेरी गाड़ी देखिए मूव करने लग गई है, आप देख सकते हो आगे का व्यू दिख रहा होगा, मैंने क्लच पूरी तरह छोड़ा नहीं है, ठीक है। और अब जैसे मेरी गाड़ी रोलिंग में आ गई है तो मैं क्लच को पूरी तरह से छोड़ दूंगा। ये देखिए, अब बिना एक्सीलेटर के मेरी गाड़ी आराम से उठ गई। कई लोगों का भ्रम होता है दोस्तों कि गाड़ी उठाने के लिए आपको एक्सीलेटर को प्रेस करना होता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप गाड़ी उठाने के लिए क्लच का इस्तेमाल कर सकते हो, तो एक ऐसे पॉइंट पर रोकना है जब आपकी गाड़ी रोलिंग में नहीं आ जाती। जैसे ही आपकी गाड़ी रोलिंग में आए, आपको सेकेंड गियर में लगा डालना है, क्लच दबा करके गियर चेंज करके एक्सीलेटर दे करके आप गाड़ी उठा सकते हो सेकेंड गियर में। सो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।